राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा राजस्थान में कांग्रेस से पहले अपने उम्मीदवार घोषित करने की तैयारियों में है। सूत्रों के अनुसार भाजपा 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने कर्नाटक में जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, वही भाजपा राजस्थान में अप्लाई कर सकती है। जिन 100 सीटों पर भाजपा पहले प्रत्याशी घोषित करेगी, उनमें से बहुत सी सीटों पर जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने फीडबैक लिया था। इन सीटों में वे विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है जहां पार्टी लगातार हार रही है, और वे भी शामिल है जहां पार्टी लगातार जीत रही है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस बार दो बार हारने वाले नेताओं के लिए टिकट पाना मुश्किल साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक के बाद सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा का सिलसिला शुरू हो सकता है। और वही अगर बात राजस्थान कांग्रेस की करे तो सीएम गहलोत के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि उदयपुर घोषणा पत्र का पालन टिकटों में नहीं होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को टिकटों में प्राथमिकता देने की जगह जिताऊ का मापदंड रहेगा, मतलब जो उम्मीदवार चुनाव जिता सकता है उसे ही टिकट मिलेगा। आपको बता दें कि 21 से लेकर 23 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में बैठक की जाएगी। 25 अगस्त से प्रदेश चुनाव समिति के मेंबर जिलों में जाकर टिकट के दावेदारों पर फीडबैक लेंगे। सूत्रों के अनुसार सितंबर के आखिरी एक सप्ताह में कांग्रेस की सूची आना तय माना जा रहा है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने संकट की घड़ी है कि जो उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में हारे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो उनको कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि नाराज नेता अगर निर्दलीय ताल ठोकता है तो इससे सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान होना तय है। तो फिलहाल आज की राजनीतिक विश्लेषण में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मानगढ़ टाइम्स। नमस्कार।